दर्शकों, इससे पहले कि समाचार शुरू हो, हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। बीआरएस पार्टी के फैंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आर्टिकल आज के साक्षी पेपर में आया है और इसमें आपको पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर एक वैन चलाते हुए दिखाई देंगे। दरअसल चुनाव के बाद केसीआर के साथ एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें वह बाथरूम में स्लिप होकर गिर गए थे। इसके कारण उनकी कमर में भारी चोट आ गई थी। वह वॉकर और डंडे के सहारे पैदल चल रहे थे, लेकिन अब वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और कल खुद से बिना किसी सहारे के चलते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी वाली वैन को बाहर निकलवा कर उसे खुद ड्राइव किया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 28 जून 2024 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। बस में भारी भीड़, स्टेशन में नए ब्रिज का काम शुरू, बड़ी मात्रा में गुटके जब्त, पानी में बह रहे जानवर, 30 तारीख को मंत्री जी का दौरा। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कल ही हमने आपको खबर में बताया था कि ट्रेन कैंसिल होने के कारण बसों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही फ्री टिकट होने के कारण बसों में बड़े मात्रा में महिलाएं सफर करती दिखाई दे रही है, जिसके कारण बसों में भयंकर भीड़ हो रही है। इस बात पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे कैसे आप महिलाओं के बारे में बोलते हुए खबर बना सकते हैं। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए इनाडू पेपर में आई यह खबर और यह तस्वीर, जिसमें कि भारी भीड़ के चलते बस में पैर रखने को भी जगह नहीं मिल रही है। यह तस्वीर कागज नगर की ही है और यह बस मंचिराल जा रही है। एक फोटो बस के बाहर से ली गई है और एक फोटो ड्राइवर की सीट पर बैठकर ली गई है। बस में महिलाओं के अलावा और लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं, यह सिर्फ हवा हवा ही नहीं है, हम काफी सोच समझकर तथ्यों को पेश करते हैं। कृपया किसी भी चीज को लेकर बुरा न माने। यह फोटो कागज नगर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद राम मंदिर के सामने की है। यहाँ पर रेलवे का काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर पुराने हो चुके फुट ओवर ब्रिज के बदले यहाँ नया फुट ओवर ब्रिज लगाया जा रहा है। इस ब्रिज की खासियत यह रहेगी कि इसमें ब्रिज के साथ साथ लिफ्ट भी लगे हुए होंगे, तो जिनको सीढ़ी चढ़ने में असुविधा है, वह लिफ्ट के जरिए ऊपर और नीचे चढ़ उतर सकते हैं। इसका काम शुरू हो गया है और जल्द ही यह फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा रेलवे के अधिकारियों ने बताया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कागज नगर और उसके आसपास के एरिया में छापेमारी का काम जोरों से चल रहा है, और इतने दिनों तक चल रहे छापेमारी का जायजा लेने के लिए आज एसपी साहब ने एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक के बाद में एसपी साहब श्री श्रीनिवास जी ने जब्त किए गए सामानों की जांच की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि छापेमारी में बड़े मात्रा में पान मसाला गुटखा जब्त हुआ है। दोस्तों, आपको जानकारी देते हुए हम बता दें कि तेलंगाना सरकार ने एक साल के लिए पान मसाला गुटखे पर बैन लगा दिया है। इसके बाद गुटखा रखना एक आपराधिक जुर्म हो गया है। एसपी साहब ने ब्यौरा देते हुए बताया कि 27 जून को छापेमारी के दौरान कागज नगर शहर के बड़े बाजार में एक व्यापारी के गोदाम में करीब 2,60,000 रुपए के गुटखे जब्त किए गए। वहीं 26 तारीख के दिन ज्यादा छापेमारी हुई, जिसके तहत चिंतन माने पल्ली की पुलिस ने रविंद्र नगर बंगाली कैंप से 4,000 के गुटखे जब्त किए। साथ ही आसिफाबाद पुलिस ने आसिफाबाद में एक गोदाम से 8,00,000 के गुटखे जब्त किए और वांकिड़ी पुलिस ने वांकिड़ी में करीब 12,000 के गुटखे जब्त किए। एसपी साहब ने व्यापारियों को खुले तौर पर चेतावनी देते हुए बताया कि जब तक गुटखे बैन है, तब तक कोई भी व्यापारी गुटखे बेचेगा नहीं। अगर गुटखे बेचते हुए पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल एक भयानक हादसा कागज नगर के अंदवेली गांव में हुआ। नदी पार करते समय अचानक से बारिश हुई और जिसके बाद हमारी पेद्दावागू नदी में एकाएक पानी का स्तर बढ़ गया। पानी बढ़ते ही कुछ गाय भैंस अचानक से पानी में बहना शुरू हो गए। लोगों ने बताया कि करीब 50 के आसपास गाय भैंस पानी में बहना शुरू हो गए थे, लेकिन गाय भैंसों ने मेहनत करके जैसे तैसे पानी से बचते हुए खुद पर काबू पाया और वह नदी के किनारे तक पहुंच गए, जिसके वजह से एक भी जानवर की जान को नुकसान नहीं हुआ।
यह भयावह वीडियो गांव के ही एक व्यक्ति ने हमें भेजा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे जानवर पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, बारिश के समय नदी के पास जाना काफी खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही नदी किनारे जाएं। अंदर की नमस्कार। 30 जून आदिवार उदय पूट इंचार्ज मंत्रिवर्यु श्रीमती सीतक गिरपूर निजा की विविध अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारंभोत्सवा गचे कागजनगर पटण बीट मार्केट मिशन भगीरथ अर्बन पथका प्रारंभिस्ट कागजनगर पटण में रे सब सेंटर हेल्थ सब सेंटर तरवा नजरुल नगर बारा नंबर विलेज ईजगाम बारा नंबर विलेज प्राथमिक आरोग्य केन्द्रा प्रारंभिस्टर काबट्टी कार्यकर्त प्रजुन कार्यक्रम पागोनी विजयवंत विज्ञप्ति जय। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, विधायक पालवाई हरीश बाबू ने सूचना दी है कि 30 तारीख यानी परसों हमारे आदिलाबाद जिले की पालक मंत्री श्रीमती सीतक का कागजनगर आने वाली है। वह यहां आकर 3 विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगी। सबसे पहले वे कागजनगर शहर के अंदर 2 आयुष्मान हेल्थ सेंटर्स का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद वह फ्लाईओवर पार करके मार्केट कमेटी के कार्यालय के पास स्थित मिशन भागीरथ अर्बन का उद्घाटन करेंगी। उसके बाद वह बंगाली कैंप विलेज नंबर 12 रामनगर पंचायत में जाकर एक और आयुष्मान हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद है इन कार्यक्रमों से स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं का हल होगा। साथ ही कागजनगर शहर को मिशन भागीरथ की पाइपलाइन मिल जाएगी, जिससे कि पानी की समस्या भी हल हो पाएगी। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। मैं कीर्ति लेती हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।